हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी हीट इक्वेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेव इक्वेशन। तो वेव इक्वेशन क्या है? हमारे पास सपोज कीजिए, ये आपके पास कोई भी वेव इक्वेशन, तो सपोज कीजिए ये आपके पास कोई भी पोल या वॉल है, आपने कोई भी एक रोप इससे टाइड किया है। तो आपने जब इस रोप को सेक किया तो इसमें एक वेव प्रोड्यूस होगी। सपोज कीजिए ये आपके पास एक वेव प्रोड्यूस हुई है, तो हमारे पास ये जो रोप को सेक करने से जो वेव प्रोड्यूस हुई वो एट अ पॉइंट एक्स इक्वल्स टू एक्स वन एंड एट अ पॉइंट एक्स इक्वल्स टू एक्स टू, एट दीज टू पॉइंट्स वेव आर डिफरेंट्स। जब हमने रोप को सेक किया तो हमारे पास एक वेव प्रोड्यूस हुई, तो जो एट अ पॉइंट एक्स वन एंड एट अ पॉइंट एक्स इक्वल्स टू एक्स टू हमारे पास वेव्स डिफरेंट होंगी। तो हमारे पास जो वेव इक्वेशन होती है, हमारे पास डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल टी स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे जो एक्स होता है वो आपने कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किया वो चीज़ मेजर होती है एट अ टाइम टी। तो यहाँ पे एक्स जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। और आपका जो टी है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारे पास के था हीट में, हीट इक्वेशन में, तो के किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? हीटिंग कॉन्स्टेंट को। तो यहाँ सी क्या है मेरे पास? वेव कॉन्स्टेंट है। तो C इज वेव कॉन्स्टेंट। और हमारे पास यू ऑफ एक्स कोमा टी किसको रिप्रेजेंट करेगा? यू ऑफ एक्स कोमा टी रिप्रेजेंट करता है वर्टिकल वेव डिस्प्लेसमेंट। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट एक्स एट टाइम टी। किसी टाइम टी पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा यू ऑफ एक्स कॉमा टी एट अ पॉइंट एक्स। तो हमारे पास ये जो वेव इक्वेशन है इसके साथ हम कंडीशन यूज करते हैं यू ऑफ एक्स कॉमा जीरो इक्वल्स टू एफ एक्स। तो ये एट अ टाइम जीरो पे हमारे पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वैसे तो इन जनरल एट अ टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होना चाहिए, बट अगर जैसे आपने रोप को सेक किया तो ये जो जहाँ पे हमने टाइट किया हो सकता है वो मूव होके थोड़ा सा यहाँ पे मूव होके यहाँ पे आ जाए ये पॉइंट सेक हमारे पास रस्सी का जो एंड पॉइंट है। तो जब हम जो मेजर करते हैं वो विद रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट कर रहे हैं मेजर वेव में, जो भी आप मेजरमेंट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं एट अ टाइम टी, तो वो जो आपकी रोप टाइड होगी वो अब एट अ दिस पॉइंट होगी। तो एट अ दिस पॉइंट यानी कि टाइम टी जीरो पे जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा दैट डिस्प्लेसमेंट इज एफ एक्स। तो हमारे पास उस समय जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? नॉन जीरो। तो यू टी ऑफ एक्स कोमा जीरो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इनिशियल वेलोसिटी को। ये क्या है हमारे पास? इनिशियल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इनिशियल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को। और ये रिप्रेजेंट करेगा इनिशियल वेलोसिटी को। तो जैसे हमने हीट इक्वेशन में डिस्कस किया था तो वहां पे हमारे पास बाउंड्री कंडीशन थी, बट यहाँ पे हमारे पास बाउंड्री कंडीशन नहीं होती, ये इनिशियल कंडीशन होती है। तो आपके पास जो वेव इक्वेशन है वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, और आपके पास जो हीट इक्वेशन है दैट इज बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो हमारे पास जो वेव इक्वेशन का हम डिस्कशन करेंगे वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, और हमारे पास हीट इक्वेशन क्या थी? बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो ये ओवरऑल हमारे पास वेव इक्वेशन का इनिशियल पॉइंट है कि वेव इक्वेशन में क्या क्या होता है। तो जैसे हमने हीट इक्वेशन डिस्कस की थी इनफाइनाइट लेंथ के लिए, तो यहाँ मैं सबसे पहले वेव इक्वेशन डिस्कस करूँगा फॉर इनफाइनाइट लेंथ के लिए। तो वेव इक्वेशन फॉर इनफाइनाइट लेंथ के लिए वेव इक्वेशन फॉर इनफाइनाइट लेंथ
वेव इक्वेशन फॉर इनफाइनाइट लेंथ। तो यानी कि वेव इक्वेशन हम इनफाइनाइट लेंथ की लिए स्टडी करेंगे। तो हमारे पास वेव इक्वेशन क्या होती है, वेव इक्वेशन हमारे पास होती है डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल टी स्क्वायर। और आपके पास एक्स क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट इज एक्स लाइज इन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। टी आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर होगा। विद कंडीशन आपके पास क्या है, यू ऑफ एक्स कोमा जीरो इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड यू टी एक्स ऑफ जीरो कोमा जी एक्स। ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है। दिस इज अ वेव इक्वेशन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, सी स्क्वेयर इंटू यू एक्स एक्स माइनस यू टी टी इक्वल टू जीरो। तो यानी कि ये क्या है, सी स्क्वेयर, दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट। और हमने जब लीनियर सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट को सॉल्व करना सीखा था, तो यानी कि इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेकेंड ऑर्डर की को मैं लिख सकता हूँ सी स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर माइनस डी डैश स्क्वायर इंटू यू इक्वल्स टू जीरो। डी किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ डी स्क्वेयर डेल स्क्वेयर ओवर डेल एक्स स्क्वायर को, एंड डी डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर डेल स्क्वेयर ओवर डेल टी स्क्वेयर को। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास ऑपरेटर। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, डी की जगह एम रिप्लेस करते हैं हम एंड डी डैश की जगह वन। तो आपके पास जो गिवन ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी वो किस में कन्वर्ट होगी, सी स्क्वेयर इंटू एम स्क्वेयर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। दिस इंप्लाइज सी स्क्वेयर एम स्क्वेयर इक्वल्स टू वन, और यहाँ से एम क्या मिलेगा आपको, प्लस माइनस वन अपॉन सी, ये वैल्यू मिलेंगी आपको। तो हमारे पास यहाँ से m की वैल्यू आई प्लस माइनस वन अपॉन सी। तो जब हम सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते हैं, जब हम सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पर d को m पुट किया है, तो उस केस में हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, u ऑफ x कोमा t इक्वल्स टू फाई वन x के साथ, यानी कि d का हमने जो कोफिशियंट है d क्या डेल ओवर डेल x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो m1 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, x के साथ। तो t प्लस m1 इंटू एक्स प्लस सम फंक्शन फाई टू एम प्लस सॉरी t प्लस m2 इंटू एक्स, ये मिलेगा आपको। तो यानी कि m1 की वैल्यू अगर यहाँ मैं 1 अपॉन c प्रेजेंट करूँगा तो 1 अपॉन c, m2 की जगह माइनस के 1 अपॉन c, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 1 अपॉन c x। तो जब मैं c को यहाँ से लूँगा तो आपको सॉल्यूशन क्या मिलेगा, u ऑफ x कोमा t इक्वल्स टू फाई वन c, तो x प्लस सी टी, ये मिलेगा। यहाँ से माइनस साइन कॉमन आउट लेंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा फाई टू फंक्शन के साथ, तो ये क्या मिलेगा आपको, प्लस फाई टू फंक्शन x माइनस सी टी, ये आपके पास सॉल्यूशन है। अब आपने इस सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, अब ये जो सॉल्यूशन है वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। ये हमारे पास जो दो इनिशियल कंडीशन है इनको वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो जब आप यूज करेंगे u ऑफ x कोमा जीरो तो वो क्या मिलेगा मुझे, फाइव वन एक्स प्लस फाइव टू एक्स, ये मिलेगा। u ऑफ x कोमा जीरो क्या मिलेगा आपको, फाइव वन एक्स प्लस फाइव टू एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी करेंगे तो वो क्या मिलेगा आपको, यू टी एक्स कोमा टी इक्वल्स टू फाइव वन डैश एक्स प्लस सी टी इंटू, इसका इंटरनल का डेरिवेटिव करेंगे तो सी बाहर आ जाएगा, इसी तरह माइनस सी इंटू फाइव टू डैश एक्स माइनस सी टी, ये मिलेगा आपको। तो आपको यू टी एक्स कोमा जीरो पे क्या गिवन है, तो यू टी एक्स कोमा जीरो फाइंड करेंगे आप तो वो क्या मिलेगा, सी कॉमन आउट, तो फाइव वन डैश एक्स मिलेगा ये आपको,
यहाँ से माइनस फाइव टू डैश एक्स ये मिलेगा, ये किसके इक्वल है आपको, जी एक्स के इक्वल गिवन है, तो इसको यहाँ से मैं किसके इक्वल पुट कर दूंगा, जी एक्स के। तो यहाँ से आपके पास जो कंडीशन आएगी वो फाइव वन डैश एक्स माइनस फाइव टू डैश एक्स वो क्या आएगा, वन अपॉन सी जी ऑफ एक्स, ये मिला। बोथ साइड आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, फाइव वन एक्स माइनस फाइव टू एक्स वन अपॉन सी इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एक्स जी ऑफ एस इंटू डी एस। हमने यहाँ पे क्या किया, वेरिएबल को चेंज किया है, तो हमारे पास ये मिलेगा। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं, फाइव वन एक्स एंड फाइव टू एक्स फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को आप ऐडअप करेंगे तो यहाँ से आपको फाइव वन एक्स मिलेगा, वो क्या मिलेगा, यू ऑफ एक्स कोमा जीरो आपके किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल था ये। तो यहाँ से जब दोनों को ऐड करूँगा तो मैं टू टाइम्स फाइव वन ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन सी इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एक्स जी ऑफ एस इंटू डी एस मिलेगा। तो यहाँ से जब मैं टू डिवाइड करूँगा तो इसके अपॉन टू आ जाएगा और ये टू सी हो जाएगा। जब आप यहाँ से फाइव सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि फर्स्ट माइनस सेकेंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइव टू एक्स क्या मिलेगा आपको, वन बाई टू एफ ऑफ एक्स माइनस वन बाई टू सी इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एक्स जी ऑफ एस इंटू डी एस, ये वैल्यू आपने फाइंड कर ली। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, फाइव वन एक्स प्लस सी टी, तो एक्स की जगह आप क्या पुट करेंगे, एक्स प्लस सी टी, तो ये क्या मिलेगा आपको, फाइव वन ऑफ एक्स प्लस सी टी, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, वन बाई टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी एक्स प्लस सी टी ये मिलेगा आपको प्लस वन बाई टू सी इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एक्स प्लस सी टी हो जाएगा जी ऑफ एस इंटू डी एस। इसी तरह यहाँ से आपको फाइव टू एक्स माइनस सी टी क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ अब किसका वैल्यू फाइंड करना है, एक्स माइनस सी टी का, तो वो क्या मिलेगा, वन बाई टू एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी प्लस वन बाई टू सी इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एक्स माइनस सी टी जी ऑफ एस इंटू डी एस, ये वैल्यू मिलेगी मुझे। अब इन दोनों वैल्यू को आप यहाँ पुट कर देंगे, तो जब इन दोनों वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास जो सॉल्यूशन होगा वो क्या मिलेगा, यू ऑफ एक्स कोमा टी इक्वल्स टू, ये आप ऐड करेंगे तो ये दोनों एक साथ कंबाइंड में लिख सकते हैं, तो वन बाई टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी। आप इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हम दोनों को बेसिकली क्या कर रहे हैं, एडअप कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस का साइन आएगा, सॉरी, यानी कि फाइव वन माइनस फाइव टू किया है तो हमने क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्शन किया तो वन माइनस के वन अपॉइंट टू सी, तो जब दोनों को ऐड करूँगा तो वन बाई टू सी कॉमन आउट मिलेगा मुझे और आपको क्या मिलेगा, जीरो टू एक्स प्लस सी टी जी ऑफ एस इंटू डी एस माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एक्स माइनस सी टी जी ऑफ एस इंटू डी एस, ये मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे जब मैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट को एक्सचेंज करूँगा तो यानी कि ये नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लस का, क्योंकि जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट को चेंज करते हैं तो एक और नेगेटिव साइन आएगा मेरे पास, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में, तो ये प्लस में हो जाएगा आपका और ये किस में हो जाएगी, एक्स माइनस सी टी से लेके जीरो टू। तो अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो जीरो टू एक्स माइनस सी टू जीरो जी ऑफ एस इंटू डी एस प्लस जीरो टू एक्स प्लस सी टी जी ऑफ एस इंटू डी एस, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, वन वाई यू ऑफ एक्स कोमा टी इक्वल्स टू वन वाई टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी इन प्लस वन अपॉन टू सी इंटीग्रेशन एक्स माइनस सी टी से लेके एक्स प्लस सी टी जी ऑफ एस इंटू डी एस। ये आपके पास गिवन वेव इक्वेशन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ की जो वेव इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं डी एलम्बर्ट सॉल्यूशंस, डी एलम्बर्ट सॉल्यूशन फॉर इनफाइनाइट वेवलेंथ। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है, ये सारा प्रूफ था इस डी एलम्बर्ट सॉल्यूशंस का। तो जब भी आपके पास इनफाइनाइट वेवलेंथ की
इनफाइनाइट वेव लेंथ की, इनफाइनाइट लेंथ की वेव इक्वेशन है आपके पास विद इनिशियल कंडीशन यू ऑफ एक्स कोमा जीरो इक्वल्स टू एफ एक्स और यू टी एक्स कोमा जीरो इनिशियल वेलोसिटी के साथ। तो आपको डी एल एम्बर्ट सॉल्यूशन से उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। आपके पास एफ गिवन होगा, जी गिवन होगा, वेव कॉन्स्टेंट सी गिवन होगा आपको, और आपको ये वैल्यू वहाँ पुट करनी है और कैलकुलेट करना है, सिंपली है। तो यानी कि हमारे पास जब इनफाइनाइट लेंथ की वेव इक्वेशन होगी तो आपको डी एल एम्बर्ट सॉल्यूशन की हेल्प से सॉल्व करना है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला है, तो ओवरऑल एक बार कंक्लूजन लिख लेते हैं सारा। तो अगर हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ की वेव इक्वेशन हो डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन सी स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू ओवर डेल टी स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, टी ग्रेटर देन जीरो, इनिशियल कंडीशन यानी कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इनिशियल वेलोसिटी यू टी एक्स कोमा जीरो इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, ये आपके पास कंडीशन है। तो यानी कि यहाँ से जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा गिवन दिस वेव इक्वेशन का ऑफ इनफाइनाइट वेव इक्वेशन का वो क्या होगा, यूनिक। तो यूनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ अबव सॉल्यूशन ऑफ अबव वेव इक्वेशन इज यूनिक एंड गिवन बाय डी-एलम्बर्ट सॉल्यूशन, डी-एलम्बर्ट सॉल्यूशन, और वो क्या है आपके पास, यू ऑफ एक्स कोमा टी इक्वल्स टू वन अपॉन टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी प्लस वन अपॉन टू सी इंटीग्रेशन एक्स माइनस सी टी से लेके एक्स प्लस सी टी जी ऑफ एस इंटू डी एस, ये आपके पास सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें तो कोई भी फंक्शन हो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा उसमें एक्स प्लस सी टी और एक्स माइनस सी टी का इनपुट होगा, यानी कि जो भी फंक्शन होगा वो किसका फंक्शन होगा, एक्स प्लस सी टी और एक्स माइनस सी टी का। तो यहाँ से आपके पास जो वेव इक्वेशन है इसमें, इसमें x प्लस सी टी इक्वल्स टू के वन और x माइनस सी टी इक्वल्स टू के टू, ये हमेशा करेक्टरिस्टिक्स कर्व होंगे ऑफ दिस वेव इक्वेशन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, क्योंकि f कोई भी फंक्शन हो, f किसका फंक्शन है, x प्लस सी टी का। यहाँ से जो फंक्शन मिलेगा वो भी किसका मिलेगा, x माइनस सी टी का। जब इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ से भी जो आपके पास फंक्शन मिलेगा वो x प्लस सी टी और x माइनस सी टी का फंक्शन मिलेगा। तो यहाँ से आपके पास इस वेव इक्वेशन की दो करैक्टरिस्टिक्स कर्व होते हैं, पहली करैक्टरिस्टिक्स कर्व होती है आपके पास x प्लस सी टी, दूसरी करैक्टरिस्टिक्स कर्व होगी आपके पास x माइनस सी टी। तो यहाँ से नेक्स्ट कंक्लूजन, करैक्टरिस्टिक्स कर्व्स आपके पास कौन कौन से हैं, एक्स प्लस सी टी इक्वल्स टू के वन, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा होगा आपके पास x माइनस सी टी इक्वल्स टू के टू, ये होंगे। और थर्ड क्या है हमारे पास, ये पैरेललोग्राम आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं, पैरेललोग्राम आइडेंटिटी, आइडेंटिटी दैट इज अगर आपके पास ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो यहाँ पे आपके पास जो डी एल एम्बर्ट सॉल्यूशन है वो इस इक्वलिटी को फॉलो करेगा, u ऑफ a प्लस u ऑफ c इक्वल्स टू u ऑफ b प्लस u ऑफ d। ये इजीली प्रूफ किया जा सकता है। इसको कैसे प्रूफ करते हैं, आपके पास जो करैक्टरिस्टिक्स कर्व है वो x प्लस सी टी इक्वल्स टू के वन एंड x माइनस सी टी इक्वल्स टू के टू इस फॉर्म की है। तो सपोज कीजिए ये आपके पास करैक्टरिस्टिक्स कर्व है x माइनस सी टू इक्वल्स टू के थ्री एंड दिस इज x माइनस सी टू इक्वल्स टू के फोर, ये सपोज कीजिए आपके पास है x प्लस सी टी इक्वल्स टू के वन एंड दिस इज x प्लस सी टी इक्वल्स टू के टू,
और आप अज्यूम कर लीजिए आपके पास जो कंडीशन है जी ऑफ एक्स वो क्या है, जीरो है। तो आपके पास जो डीएलएमबर्ट सॉल्यूशन होगा उसमें क्या मिलेगा आपको, यू ऑफ एक्स कोमा टी इक्वल्स टू वन बाई टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी, ये मिलेगा आपको। और आपके पास जी एक्स जीरो तो आपका सेकेंड जो पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से मार सपोज कीजिए ये आपके पास ए पॉइंट है, ये पॉइंट आपके पास बी है, ये पॉइंट आपके पास सी है, दिस इज ए पॉइंट डी। तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे x माइनस सी टी इक्वल्स टू के थ्री एंड x प्लस सी टी इक्वल्स टू के वन, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आएंगी, यानी कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे आपके पास, यहाँ से दोनों को जब एडअप करेंगे तो के वन प्लस के थ्री बाई टू, और जब दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा के वन माइनस के थ्री बाई टू सी। ए के आपके पास कोऑर्डिनेट्स ये होंगे, जब आप बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे तो वो क्या आएंगे आपके पास, बी के कोऑर्डिनेट्स। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो के टू प्लस के थ्री बाई टू और के टू माइनस के थ्री बाई टू सी, ये मिलेगा आपको। C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे तो इन दोनों को, यानी कि K2 प्लस K4 बाई टू, और इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो K2 माइनस K4 बाई टू सी। D के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे आपको, K1 प्लस K4 बाई टू, K1 प्लस K4 बाई टू एंड K1 माइनस K4 बाई टू सी, ये मिलेगा आपको। जब आप यहाँ पुट करेंगे यानी कि u ऑफ a फाइंड करेंगे तो u ऑफ a का मीनिंग क्या है, x की जगह आप ये क्वांटिटी पुट करेंगे x1 k1 प्लस k3 by 2 और t की जगह आप ये पुट करेंगे k1 माइनस k3 by 2c। जब दोनों को ऐड करेंगे तो c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, k3 से k3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k1 प्लस k1 बचेगा, तो 2k1 और एक 2 आपके पास डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है, तो यानी कि यहाँ क्या मिलेगा आपको, एफ ऑफ k1। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो K3 बचेगा, तो यानी कि U ऑफ A फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा आपके पास, F ऑफ K1 प्लस F ऑफ K3 बाई 2। इसी तरह जब आप F ऑफ U ऑफ B फाइंड करेंगे तो वो मिलेगा आपको F ऑफ K2 प्लस F ऑफ K3 बाई 2, और u of c फाइंड करेंगे तो वो मिलेगा आपको f of k2 प्लस f of k4 बाई 2, और u of d फाइंड करेंगे तो वो मिलेगा आपको f of k1 प्लस f of k4 बाई 2, ये मिलेगा। तो जब आप u a प्लस u c करेंगे तो यू ऑफ ए प्लस यू सी क्या होगा, एफ ऑफ के वन प्लस एफ ऑफ के टू प्लस एफ ऑफ के थ्री प्लस एफ ऑफ के फोर बाई टू, और यू बी प्लस यू डी करेंगे तो एफ ऑफ के वन प्लस एफ ऑफ के टू प्लस एफ ऑफ के थ्री प्लस एफ ऑफ के फोर बाई टू। तो दोनों क्वांटिटी मेरे पास क्या हो रही हैं, इक्वल। तो हमारे पास जो वेव इक्वेशन है ऑफ इनफाइनाइट लेंथ की, उसका हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होता है, और डीएलएमबर्ट सॉल्यूशन से हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, और करेक्टर स्टेटिक्स कर्व हमेशा टू मिलेंगे आपको, x प्लस सी टी का फंक्शन होगा और x माइनस सी टी एक दूसरी कर्व, और ये किसको, पैरेललोग्राम आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या आपको ध्यान रखना है कि वेव इक्वेशन जो होती है वो हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है, जबकि हीट इक्वेशन हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। तो अगर हमारे पास होमोजीनियस, अभी हमने वेव इक्वेशन को डिस्कस किया ऑफ इनफाइनाइट लेंथ की, अब हम डिस्कस करेंगे नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो अब क्या डिस्कस करेंगे, नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ क्या है, अभी हमारे पास
वो किस फॉर्म में होगी, यू ऑफ एक्स एक्स इक्वल्स टू वन बाई सी स्क्वेयर यू ऑफ टी टी। अभी तक हमारे पास ये था, तो इस साइड लेके आएंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड क्या था, जीरो था, प्लस सम फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा टी और हो गया। यानी कि दिस इज अ नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल यानी कि वन वेरिएबल, टू वेरिएबल है हमारे पास, तो एक को दूसरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो दैट्स वाई टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर टू डायमेंशनल होगी तो आपके पास थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। तो x बिलोंग्स टू, यहाँ से आपके पास रियल नंबर है, t ग्रेटर देन जीरो है, और कंडीशन आपके पास क्या गिवन है, u ऑफ x कॉमा जीरो इक्वल्स टू f ऑफ x एंड ut x कॉमा जीरो, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या है, सम फंक्शन ऑफ gx, ये आपको गिवन है। तो यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमारे पास नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन को जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो आपने अभी तक अगर इसको हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विद दिस कंडीशन, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो सॉल्यूशन था वो क्या था आपके पास, डीएलएमबर्ट सॉल्यूशन। तो वो क्या, उसको आप एज इट इज रहने देंगे, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपके पास क्या आएगा, डीएलएमबर्ट सॉल्यूशन, तो वो क्या है, 1 बाई टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी, ये मिलेगा, प्लस 1 बाई टू सी इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स माइनस सी टू एक्स प्लस सी टी जी ऑफ एस इंटू डी सी डी एस। इसमें एक और पार्ट ऐड होगा, वो क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल का, वो क्या होता है आपके पास, 1 बाई टू सी प्लस 1 बाई टू सी इंटीग्रल वैल्यू फ्रॉम 0 टू टी और एक्स माइनस सी इंटू टी माइनस टाव से लेके एक्स प्लस सी इंटू टी प्लस टाव और फंक्शन ऑफ एस कॉमा टाव इंटू डी एस डी टाव, दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो आपके पास ये एड और हो जाता है आपके पास नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो आपके पास दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यानी कि ये होमोजीनियस वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है और वो आपका ऐड हो जाता है। दिस इज अ डबल इंटीग्रेशन, यानी कि पहले आप डी एस के रेस्पेक्ट में करोगे फिर डी टाउ के, तो डी एस के रेस्पेक्ट में इनर इंटीग्रेशन ऑफ वेरिएबल क्या है आपके पास, डी एस है, तो उसकी लिमिट क्या है, एक्स माइनस सी से लेके टी माइनस टाउ से लेके, सॉरी ये एक्स प्लस सी टी माइनस टाउ यहाँ तक रहेगी। सेकेंड लिमिट है आपके पास डी टाउ, यानी कि सेकेंड ऑफ वेरिएबल है जो आपके पास इंटीग्रेशन का, वो क्या है टाउ, उसकी लिमिट कहाँ है, जीरो से लेके टी तक। तो दिस इज अ इनफाइनाइट लेंथ की वेव इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस की। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अगर वेव इक्वेशन, अभी तक हमने डिस्कस किया इनफाइनाइट लेंथ की हो और होमोजीनियस हो, और इनफाइनाइट लेंथ की वेव हो आपके पास नॉन होमोजीनियस हो। अब हम डिस्कस करेंगे अगर आपके पास कोई भी फाइनाइट लेंथ की वेव इक्वेशन है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इनफाइनाइट लेंथ की जो वेव इक्वेशन होती है हमारे पास, उसमें बाउंड्री कंडीशन नहीं होती, यानी कि दैट इज अ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। बट जब आप फाइनाइट लेंथ की वेव इक्वेशन को डिस्कस करेंगे तो फाइनाइट लेंथ वेव इक्वेशन, लेंथ वेव इक्वेशन, तो अब क्या डिस्कस करेंगे हम फाइनाइट लेंथ की वेव इक्वेशन को। तो हमारे पास वेव इक्वेशन क्या है, यू ऑफ एक्स एक्स इक्वल्स टू वन बाई सी स्क्वेयर यू ऑफ टी टी, ये हमारे पास वेव इक्वेशन होगी। एक्स की वैल्यू लाइंग इन बिटवीन जीरो टू एल, क्योंकि फाइनाइट लेंथ की है, टी पॉजिटिव होगा आपके पास, और आपके पास जो बाउंड्री कंडीशन होंगी वो क्या होगी, यू ऑफ जीरो कॉमा टी इक्वल्स टू जीरो एंड यू ऑफ एल कॉमा टी इक्वल्स टू आल्सो जीरो एंड u ऑफ x इनिशियल, यानी कि वर्टिकल इनिशियल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सम एफ एक्स एंड इनिशियल वेलोसिटी यू टी एक्स कॉमा जीरो इक्वल्स टू सम फंक्शन g ऑफ x। तो हमारे पास जो फाइनाइट लेंथ की वेव इक्वेशन है, जैसे हमने हीट इक्वेशन में डिस्कस किया था, उसको हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेपरेशन वेरिएबल्स। तो यहाँ भी हम इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेपरेशन वेरिएबल। तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाते हैं, तो आप वहाँ क्या करते थे, यू ऑफ एक्स कॉमा टी को एक सॉल्यूशन अज्यूम करते हैं, सम फंक्शन एच ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ टी,
यही अज्यूम करेंगे यहाँ पे भी हम। तो यहाँ से यू एक्स एक्स फाइंड करेंगे आप, सेम वैसे ही प्रोसेस करेंगे, एच ऑफ एक्स वो क्या मिलेगा, एच डबल डैश एक्स इंटू जी ऑफ टी, और एच यू ऑफ टी टी फाइंड करेंगे तो वो क्या मिलेगा आपको, एच ऑफ एक्स इंटू जी डबल डैश टी। तो यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करें, जैसे कि इस कंडीशन का जब यूज करेंगे आप, तो यहाँ से आप x की जगह 0 रिप्लेस करेंगे तो h ऑफ 0 इंटू जी ऑफ टी मिलेगा, विच इज इक्वल टू 0। तो g ऑफ t 0 नहीं हो सकता है, इस यानी कि जो वेव है हमारे पास, वेव इक्वेशन है फाइनाइट लेंथ की, उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन क्यों नहीं हो सकता, वो इन दोनों कंडीशन को तो सेटिस्फाई करेगा। बट अगर हमारे पास एफ एक्स नॉन जीरो फंक्शन हुआ तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, दैट्स वाई ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो वही कंडीशन फिर हमें यहां से मिलेगी कि h ऑफ 0 पे वो 0 देगा एंड h ऑफ l पे भी क्या देगा, 0। तो यहां से आप फाइंड करेंगे कि h ऑफ 0 पे भी क्या मिलेगा हमें, 0, एंड h ऑफ l पे भी क्या मिलता है, 0। फिर हमने हीट इक्वेशन में डिस्कस किया था कि लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल रहा था, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन यहां भी आपको मिलेगा लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए, क्योंकि जब आप यहां से इसको पुट अप करेंगे ये दोनों वैल्यू, तो आपके पास ये SLP में कन्वर्ट होता है, h ऑफ x इक्वल्स टू सम लैम्डा टाइम्स h ऑफ x मिलेगा आपको, और g डबल डैश t जो आपको मिलेगा वो मिलेगा लैम्डा इंटू सी स्क्वेयर g ऑफ t। तो ये आपके पास दो SLP होंगी। तो लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए जब फाइंड करेंगे तो आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, और लैम्डा ग्रेटर देन 0 के लिए भी आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑब्टेंड होता है। तो यहाँ पे आपके जो सॉल्यूशन मिलता है वो लैम्डा इज लेस देन 0 के लिए सॉल्यूशन ऑब्टेंड होता है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ विद द हेल्प ऑफ, जैसे हमने हीट इक्वेशन में प्रूफ किया था वैसे ही आप यहाँ प्रूफ कर सकते हैं। तो क्या आएगा यहाँ से सॉल्यूशन आपके पास, लैम्डा इज लेस देन 0 के लिए सॉल्यूशन आता है, और वो क्या आता है आपके पास, यू ऑफ एक्स कोमा टी इक्वल्स टू एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इन टू कॉस एन पाई सी t upon l plus n running from 1 to infinity dn sin n pi x upon l into sin n pi c t upon l, ये आपके पास solution obtained होता है। जब आप इस condition का use करते हैं u of x, 0, तो यहाँ से u of x, 0 क्या मिलेगा आपको, ये वैल्यू 1 देगा, ये 0 देगा, t की जगह आप 0 पुट करेंगे तो 0, तो यहाँ से आपको मिलेगा विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इस कंडीशन की हेल्प से, और ये किसके इक्वल है, एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, इसके इक्वल है, दिस इज अ फोरियर सीरीज, तो यहाँ से आपको बी एन क्या मिलेगा, बी एन आपको मिलता है 2 बाई एल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एल एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, ये मिलेगा आपको इनटू dx, ये मिलता है यहां से आपको। जब आप इस कंडीशन को यूज करेंगे utx, 0, तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं सेम, यानी कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos का साइन में होगा, जब t की जगह 0 पुट करेंगे तो ये क्वांटिटी आपके पास 0 हो जाएगी, यहां से आपके पास ये साइन का cos में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास ये तो साइन पाई x अपॉन सेल सेम रहेगा, बट जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये कॉस में कन्वर्ट होगा और एन पाई सी अपॉन एल ये आपके पास बाहर आएगा। तो यहाँ से आपको dn जो मिलेगा वो किसके इक्वल मिलता है, यहाँ से आपके पास dn जो मिलेगा 2 अपॉन एन पाई सी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एल एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू dx, इसके इक्वल आपको मिलेगा ये। तो यानी कि जब आप इस कंडीशन का यूज करेंगे तो वो इसके इक्वल मिलता है आपको, सॉरी एफ एक्स की जगह ये क्या मिलेगा आपको, जी एक्स, क्योंकि ये किसके इक्वल आएगा, जी एक्स फंक्शन के इक्वल आएगा। तो ये आपके पास अगर फाइनाइट वेव इक्वेशन है, फाइनाइट लेंथ की कोई भी वेव इक्वेशन होगी, तो उसका सॉल्यूशन आप सेपरेशन मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास ये सॉल्यूशन ऑब्टेंड आएगा। आप वी एन यहाँ से फाइंड कर सकते हैं और डी एन आप यहाँ से फाइंड करेंगे। तो ये ओवरऑल हमारे पास वेव इक्वेशंस की समरी थी, थ्योरी है, जो आपको इतना ही इसमें कवर अप करना है, इससे आपके सारे क्वेश्चंस जो भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं, गेट में, नेट में, सारे सॉल्व हो जाएंगे।